अली अमीन गंडापुर साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कैसी जा रही है कैंपेन अभी? माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, जबरदस्त। अच्छा, आपसे ये पूछना चाहेंगे, आपके मुखालिफीन की जानिब से कैंपेन पूरी चलाई जा रही है आपके अगेंस्ट भी, ये कहा जा रहा है कि आप मुख्तलिफ माफियाज की सरपरस्ती करते हैं, आपको लगता है कि इस तरह के इल्जाम से आपका वोट बैंक मुतासर हो सकता है? देखिए जी, इस वक्त इमरान खान के खिलाफ भी सारी लगे हुए हैं, सारी पार्टियाँ मुखालिफ हैं। उसकी वजह यही है कि वो जिस मकसद के लिए काम कर रहे हैं, इनको पता है कि अगर वो मकसद पूरा हो जाए इनकी पाकिस्तानी पार्टी में जगह नहीं बचेगी। और मैं भी यहाँ पर यही जिहाद कर रहा हूँ इन फिरौनों के खिलाफ। इन्होंने आज तक अवाम का इस्तेहसाल किया, कोई काम नहीं किए, तो माशाल्लाह ये सारे मिल भी जाएं तो इंशाल्लाह मुझे नहीं हरा सकते इंशाल्लाह। अब जबकि मियां साहब को सजा भी हो गई, आप लोगों को लगता है कि अब आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो गया इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना, हुकूमत बन पाएगी विफाक में खैबर पख्तूनख्वा में आप लोगों? इंशाल्लाह जी, कन्फर्म है, मुझे पूरी उम्मीद है कि 25 तारीख को इंशाल्लाह विफाक की हुकूमत भी हमारी बनेगी और सूबाई हुकूमत भी कभी इंशाल्लाह हमारी भारी हसीियत से बनेगी इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आपको हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहादी चुनना पड़ते हैं तो मौलाना फजलुर रहमान एम एम ए भी एक बड़ी ताकत बन के सामने आ रही है, उनसे इत्तेहाद करेंगे आप लोग? मैंने तो इमरान खान से वादा किया है कि जिस असम्बली में इंशाल्लाह वो ज़्यादा बनने जा रहे हैं उस पर मौलाना फजलुर रहमान ऐसे मैंने भी नहीं होगा। इत्तेहाद तो बहुत दूर की बात है, इंशाल्लाह इसको मैं यहीं पे रोक लूँगा, इंशाल्लाह मैंने ही नहीं बनेगा। अच्छा, आपसे आखिर में बिल्कुल ये जानना चाहेंगे, कुछ जो हल्के के लोगों के मसाइल हैं वो आपके सपोर्टर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आप चूंकि नेशनल असम्बली में नहीं थे या इस पोजीशन में नहीं थे कि उनको करवा पाते, आएंगे जब नेशनल असम्बली में तो वो मसाइल दूर करवाएंगे। सड़कें नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे उतने बेहतर हॉस्पिटल्स नहीं है, मसाइल का तो पता ही होगा। माशाल्लाह जी, मेरा जो हल्का था पुराना वाला, अभी यहाँ पे अभी हल्के चेंज हुए हैं तो मेरे अन्य हल्के में आ गए, मेरा साथ पीके का हल्का है, पुराना यही हल्का था मेरा, तो मैं पीके भी इलेक्शन लड़ रहा हूँ इंशाल्लाह और एन ए भी लड़ रहा हूँ। उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे हल्के का अस्पताल ही बेहतरीन है, आप जाके विजिट कर लें, बेस्ट है, रोड पर हल्के के बेस्ट हैं, ये आप देख रही हैं, ग्रीन बेल्ट, रोड्स, पार्क, ड्रिंकिंग प्योर वाटर, स्कूल, कॉलेजेस, मैंने हर चीज़ में अपने हल्के को बिल्कुल बेहतरीन बनाया है। जिन्हों जहाँ पे मैं रूमी है वो हल्का मेरा पहले नहीं था, और जिनका था वो इसलिए मुझे वोट दे रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ये तब्दील जो मैं डी खान में लाया हूँ वहाँ भी लाऊँ इंशाल्लाह। तो मैं इंश्योर कर रहा हूँ इतने बड़े मसले नहीं है, एक 5 साल हुकूमत में इंशाल्लाह डी खान से लेके तमाम मसले